Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम सिंह और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मनी लॉजी पे। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरी आप लोग से बातचीत हुई थी, उसके बीच में काफ़ी लंबा समय गुजर गया और इस बीच में हार्ट अटैक आया और वहाँ से रिकवर हुआ तो इस थोड़ा टाइम चला गया। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, जब मेरे को मैं हॉस्पिटल में था, मेरे से कुछ लोग मिलने आ रहे थे और उन लोग ने मुझसे एक चीज़ पूछी, यार जाते जाते कम से कम 2-3 स्टॉक के नाम बता देता, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऑन अ लाइटर नोट, हंसी मजाक में लोगों ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो सही है, मतलब अभी भी बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब ये निश्चय किया है कि मैं आपको हर महीने 2 स्टॉक के बारे में बताऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म या इंट्राडे इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको 2 स्टॉक बताऊँगा। अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे और आपके रिलेटिवली जो लॉसेस हैं, मतलब जो रिस्क है आपका, वो बहुत कम रहेगा। और इन स्टॉक्स को हम हर बार रिव्यू भी करते रहेंगे। मान लेते हैं कोई उसमें इन्वेस्टेड है तो वो उसमें क्या करना है, हम उसको रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा वो प्योरली मेरे व्यूज़ रहेंगे। ठीक है, वो मेरे चुनाव रहेंगे। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि आप भी उसको वैसे ही माने, आप अपना खुद का दिमाग लगाएं, अपना खुद का टेक्निकल नॉलेज लगाएं। मैं आपको एक स्टॉक बता दूंगा, मैं आपको अपना उस पर एक राय बता दूंगा। अगर आप उस राय से सहमत हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, आपका जो भी सोचने का तरीका है या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो एग्री करता है, तो आप करें। कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, ये प्योरली आपका खुद का चयन रहेगा। कितना प्रॉफिट बुक करना है, कब निकलना है, क्या करना है, वो प्योरली आपका रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक स्टॉक बताऊंगा, क्यों चूज़ कर रहा हूँ वो बताऊंगा, एक मार्गदर्शन जो है ना, एक रास्ता बताऊंगा, चलना नहीं चलना, कितना चलना, दौड़ना भागना, वो सब प्योरली आपका है। ठीक है, तो आइए आज के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो जो स्टॉक ऑफ द मंथ है, ये जो मंथ चल रहा है सितंबर का, एक हफ्ता 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तो मैं आपको इस जो हफ्ते का जो स्टॉक ऑफ द मंथ है उसके बारे में बताऊंगा। फिर जो आपको अगला बताऊंगा वो बताऊंगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो आज जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो बेसिकली एक आईटी सेक्टर का जायंट है। ठीक है, आईटी सेक्टर का जाइंट है। आपको मालूम है आईटी सेक्टर में एक ब्रेकआउट आया है, बहुत सारे स्टॉक बूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने एक स्टॉक, एक नायाब हीरा आपके लिए चूज किया है, आप इस पे नज़र रखें। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर में, जिसमें आजकल बहुत ज़बरदस्त बूम है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किधर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे है जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे है। और जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए वो है ये HCL टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं 2,14,203 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ठीक है, तो टॉप थर्ड आईटी कंपनी के अंदर आता है HCL टेक्नोलॉजी।
हालांकि सारी आईटी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा बूम है, सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो मैंने आपके सामने भी जो स्टॉक रख रहा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी सेफ्टी जो एक लॉन्ग टर्म के लिए जब हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उसकी बहुत बड़ी एक ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम करते हैं इसके चार्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि हम क्यों इसके चार्ट्स के ऊपर इतना बुलिश हैं, राइट। सो लेट्स सी, तो मैं आपको अभी इसके चार्ट्स पे ले चलता हूँ। हियर वी गो, और ये देखिए हम HCL टेक्नोलॉजीज के डेली चार्ट पे हैं। तो मैं देखो सबसे पहले आपको इसके मंथली चार्ट को दिखाता हूँ। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये HCL टेक्नोलॉजी का मंथली चार्ट है, और ये एडजस्टेड नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ये बोनस यहाँ पे आया हुआ है। तो एक ये एक ट्रिमेंडस, अगर मैं आपको बोलूँ तो एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। इट इज़ इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड। तो सबसे पहले जब आप मंथली चार्ट देखते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में दिखाई पड़ता है। नाउ अब जरा इसके हम वीकली चार्ट को देखते हैं। तो अगर मैं इसके वीकली चार्ट को आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट में भी आपको ट्रेंड सेम वैसा ही दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसके वीकली चार्ट को देखें तो काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड है इसके अंदर, अगर आप इसको देख पाएं। ये देखिए एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा बोनस आने के बाद एक कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड। ये जो है ये बोनस या स्प्लिट का पीरियड है ये वाला, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान ना दें। ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है। नाउ अब इसके जरा डेली चार्ट को देखते हैं। तो ये देखिए ये है डेली चार्ट HCL टेक्नोलॉजी का, जो एकदम काफी अच्छे अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है, काफी अच्छे अप ट्रेंड में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक स्क्रीन को बहुत ही सिंपल रखने के लिए, मतलब ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज नहीं करूंगा, एक छोटे से सिंपल से इंडिकेटर का यूज करूंगा और जो मेरे ख्याल से सब लोग को अच्छे से आता है, विच इज़ MACD। तो हम यहाँ पे एक MACD को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं MACD में आपको एक बाई कॉल मिला हुआ है HCL टेक्नोलॉजी के अंदर, एक बाई कॉल मिला है। अगर मैं इसके वीकली चार्ट में देखूँ, वीकली चार्ट में ऑलरेडी हम बाई के अंदर हैं, ठीक है, हमारा बाई कॉल ऑलरेडी है वीकली चार्ट के अंदर। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाऊं तो मंथली चार्ट में भी हमारा बाई कॉल है MACD के हिसाब से, क्योंकि अगर आप ये जो आप चीज़ देख रहे हैं जो एक स्प्लिट हुआ है या बोनस आया है, इसको अगर आप एडजस्ट में देखेंगे तो आपका ये बाई कॉल में ही रहेगा, ये बाई में है। तो काफ़ी अच्छे चार्ट्स हैं इसके। अच्छा, अब यहाँ पर जरा हम इसको देखते हैं कि इसके लेवल्स जो हैं उस पर एक बार मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूं, लंबी अवधि के लिए देख रहा हूं। तो अगर ये मुझे यहाँ के करीब करीब, देखिए इस एरिया के करीब करीब, मतलब यहाँ के करीब करीब अगर मुझे ये मिल जाता है, ठीक है, इस एरिया में, मतलब आप समझे इस एरिया के करीब करीब अगर ये मुझे मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, बिकॉज मेरा रिस्क मेरा बहुत कम रहेगा। अगर मुझे इस एरिया में कहीं मिल जाता है, जिसके मिलने के चांसेस मुझे थोड़े से कम नज़र आते हैं, हो सकता है ये जो इसके करीब करीब आके फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, बट अगर आपको ये कंसोलिडेशन में या किसी भी चीज़ में यहाँ के करीब करीब मिलता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा इस महीने का पिक HCL टेक्नोलॉजीज, जिसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, और मैं एक बार आपको ब्रेकआउट भी दिखा दूं कि कैसे ब्रेकआउट आया हुआ है। और ये देखिए काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट के साथ एक काफ़ी अच्छे रेंज में था एक काफ़ी समय तक,
एक अच्छे रेंज में काम कर रहा था और उसके बाद इसने इस रेंज को तोड़ा है और ये ऊपर गया है। तो जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो जो आपका जो पहले का जो रेसिस्टेंस है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो उम्मीद यही है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके नीचे ये प्राइस नहीं आना चाहिए। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, HCL टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज बस इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अपना खुद का जो है अपना एनालिसिस करें, स्टॉक मैंने आपको दिखाया है, आप उसके ऊपर अपना जो भी जहाँ भी आपको एंट्री करना है जैसे एंट्री करना है आप कर सकते हैं। राइट, तो फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।